सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त होने का दावा करने वाले संदीप सिंह के बारे में एक और खुलासा हुआ है। मुझे लगता है कि संदीप को लेकर जितने खुलासे हो रहे हैं उसकी अब एक लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी चीज़ें उनसे जुड़ी बाहर आ रही हैं वो वाकई में शक पैदा करती हैं। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को उन्होंने हॉस्पिटल कूपर में आने ही नहीं दिया और सीधा एयरपोर्ट से वो लोग सुशांत के घर गए और वहाँ से सीधा अंतिम संस्कार के लिए पहुँचे, क्योंकि संदीप जो कोऑर्डिनेशन कर रहा था उसमें उन्होंने बोला कि आपके आने की जरूरत नहीं। इस बात का खुलासा खुद निलोत्पल ने किया। अब एक बात सामने आ रही है कि संदीप जो है वो वर्सोवा शमशान घाट ले जाना चाहते थे सुशांत को, और इसके लिए वो लगातार फोर्स कर रहे थे और कॉन्टैक्ट निकालने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल जिस हॉस्पिटल में सुशांत को ले जाया गया कूपर, पहले वहाँ ले जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। लीलावती उनके घर के बहुत पास था, वहाँ लेकर जाया जा सकता था, नानावटी लेकर जाया जा सकता था, लेकिन कूपर लेकर गए। इसके अलावा कूपर से पवनहंस पास पड़ता है, लेकिन वो चाहते थे कि कूपर से वर्सोवा शमशान घाट सुशांत को लेकर आया जाए। तो टाइम्स के सूत्रों ने खुलासा किया है कि संदीप जो है वहाँ लगातार इस बात के लिए प्रेशराइज कर रहे थे कि सुशांत की बॉडी जो है हम वर्सोवा लेकर जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों और किस लिए, इसका जवाब मुझे लगता है कि वही दे सकते हैं, या सीबीआई जब उनसे सवाल पूछे तभी मिल सकेगा। लेकिन एक बात तो तय है, दुबई से बात होना हो या फिर सुशांत के सारे आधार पैन कार्ड संदीप के पास होना हो, या फिर गणेश का ये कहना कि उनकी बात हुई थी जिससे जो सूत्र से वो संदीप के साथ काम करते हैं, उन्होंने बताया कि संदीप को पता है कि सुशांत के घर कौन कौन आया था और सुशांत जो है दिशा को लेकर हर चीज़ बताने वाले थे। ये सारी चीज़ें कई सवाल खड़े करती है, और संदीप के बारे में अब एक और नया खुलासा कि आखिर वो हॉस्पिटल के पास जो अंतिम संस्कार के लिए पवनहंस ले जाने की जगह वर्सोवा क्यों ले जाना चाहते थे, हालांकि जो एक्टर्स हैं सारे वो सब वर्सोवा इलाके में रहते हैं। तो क्या उनका यही सोचना था कि वर्सोवा ले जाएंगे तो वहाँ पर जो है लोगों का आना जाना आसान हो जाएगा, ये वही बता सकते हैं या सीबीआई उनसे जांच में पता कर सकती है। लेकिन एक बात सामने आई है कि संदीप जो है वो वर्सोवा लेकर जाना चाहते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मशक्कत के बाद जो है ये बात तय हुई कि नहीं, उनको पवनहंस लेकर जाते हैं, क्योंकि पवनहंस बहुत पास था। अगर मैं कहूँ तो वॉकिंग डिस्टेंस में 15 से 20 मिनट में आप पवनहंस पहुँच सकते हैं, इतना पास था। वो छोड़कर वो आधे घंटे की दूरी पर जो वर्सोवा है वहाँ पर लेकर आना चाहते थे, इस बात का खुलासा हुआ है।